जनपद में प्रयागराज की घटना के बाद धारा 144 को लागू कर दिया गया है, जिसके संबंध में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि प्रयागराज की घटना के बाद जनपद में धारा 144 लागू किया गया है। कोई भी 5 से ज्यादा व्यक्ति एक जगह पर खड़ा नहीं हो सकते हैं, बाकी सभी लोग अपना कार्य कर सकते हैं। किसी को किसी तरह की रोक टोक नहीं है। यदि किसी को कोई सार्वजनिक कार्य करना है तो उनको पुलिस या प्रशासन से परमिशन लेना होगा। बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। सभी लोग धारा 144 का पालन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा, धारा 144 सीआरपीसी के तहत 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के अनलॉफुल असेंबली या गैर विधिक जमाओं को रोकने के लिए लागू किया जाता है। बाकी जो आम जनजीवन है वो चलता रहता है, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई भी आपको इस तरह का कोई कार्य करना है जिसमें लोगों का इकट्ठा होना, तो उसके लिए प्रशासन से पुलिस से अनुमति लेनी होती है। अनुमति लेने के बाद ही उस कार्यक्रम को करेंगे। किसी प्रकार के जुलूस या प्रदर्शन या किसी गैर कानूनी जमाव को इसमें पूरी तरह से रोका जाता है, और पब्लिक से यही हमारा अनुरोध रहेगा कि इसका पूर्णतया पालन करें। जो भी इसका उल्लंघन करता है उसके खिलाफ धारा 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई भी की जाती है।